हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम फलनों का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, कि प्रतिलोम फलनों का अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, सपोज आपको दिया है y बराबर साइन इनवर्स x और आपका x बिलोंग कर रहा है -1 to 1। आपका x बिलोंग कर रहा है वो कहां से कहां बताइए, -1 से 1 के अंदर। अब देखिए, आपको ये बताना है कि y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो देखिए, आप प्रश्नावली 2 के अंदर पढ़ जा चुके हो, यदि y बराबर क्या है, sin इनवर्स x, तो यहां से x होता है sin y, क्या होता है x बराबर sin y। आप क्या करेंगे, आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आपको निकालना क्या है यहां से, dy बटे dx। तो कैसे निकालेंगे देखिए, और आपका जो फलन है वो क्या हो गया, x बराबर sin y, क्लियर है। तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करिए x का, x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, a, तो जाएगा 1 बराबर sin y का, sin y का हो जाएगा cos y इनटू y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका dy बटे dx। तो यहां से आपको आ गया dy बटे dx बराबर 1 बटे cos y, और आपको दिया है sin y बराबर x, आपको क्या निकालना है, cos y। तो बताइए, cos y बराबर होगा 1 बटे अंडर रूट cos y बराबर अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर y। तो यहां से आपको मिल गया dy बटे dx बराबर 1 बटे 1 माइनस sin स्क्वायर y, और sin y का मान कितना है, x, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x स्क्वायर। तो देखिए, यदि आपका y बराबर sin इनवर्स x है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो y बराबर cos इनवर्स x का, कैसे निकालेंगे, तो बताइए यहां से x आपका बराबर होगा cos y के, x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का, x के सापेक्ष अवकलन बताओ क्या होगा, a, तो ये रहेगा 1 बराबर cos y का माइनस sin y, कितना होगा माइनस के sin y। और y का करेंगे फिर, y का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, dy बटे dx, कितना हो जाएगा dy बटे dx, और ये होता है आपका, यहां से हो जाएगा dy बटे dx बराबर माइनस 1 बटे sin y, 1 बटे sin y, और आप sin y को लिख सकते हो dy बटे dx बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y, sin y को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y, और आपको cos y का मान क्या दिया हुआ है, x, तो यहां से आपका हो जाएगा dy बटे dx बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो sin इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, माइनस आ जाता है, इसमें किसका अंतर आएगा, सिर्फ माइनस का, माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो tan इनवर्स x का, किसका निकाल सकते हो, tan इनवर्स x का, y बराबर tan इनवर्स x का, तो यहां से x हो जाएगा आपका tan y, क्या हो जाएगा,
टेन बाई एक्स के साथ एक्स अपलोड करेंगे तो एक्स का एक्स के साथ अपलोड ए टेन एक्स का अपलोड होगा कितना होगा sec स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा sec स्क्वायर वाई तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक बटे sec स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा एक बटे sec स्क्वायर वाई इसको आप ले सकते हो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक बटे वन प्लस टेन स्क्वायर वाई और आपको टेन वाई का मान दिया है टेन वाई किसके बराबर है एक्स के तो ये हो जाएगा एक बटे एक्स स्क्वायर तो टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ये सबको आपको याद होना चाहिए तो देखिए मैं सब सारे फॉर्मूले आपको लगा रहा हूं नंबर ए डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला है आपका डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है माइनस एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला है आपका डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर के इसके बाद चौथा फॉर्मूला है आपका नंबर चार डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स और ये बराबर होता है माइनस ए बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर के पांचवा फॉर्मूला है आपका डी बटे डी एक्स sec इनवर्स एक्स और ये बराबर होता है एक बटे मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए और आपका छठा फॉर्मूला है डी बटे डी एक्स cot इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस ए बटे मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए तो तीन फॉर्मूले मैंने आपको प्रूव करा दिए हैं और तीन आपको खुद को करने हैं और सारे फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है माइनस एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है माइनस एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर sec इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है एक बटे मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इसी प्रकार डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इसका एक्स का सापेक्ष अवकलन है वो बराबर होता है माइनस एक बटे मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन तो ये फॉर्मूले आपको छह की छह फॉर्मूले याद होने चाहिए जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले काम में लेने हैं क्लियर है सभी को एग्जांपल देखिए इसका डायरेक्ट सपोज आपको दिया है वाई बराबर आपको दिया है वाई बराबर आपको दिया है साइन इनवर्स टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर पांच एग्जाम्पल नंबर पांच और आपको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स अब देखिए सबसे पहले तो आपको जो प्रतिलोम फलन वाले जो क्वेश्चन है उनको आसान बनाना है और आसान बनेंगे आप प्रतिस्थापन के द्वारा फंक्शन को आसान बनाने का तरीका प्रतिलोम फलनों में क्या होता है प्रतिस्थापन द्वारा आप इस x को इस प्रकार प्रतिस्थापित करेंगे ताकि आपका जो फंक्शन है वो क्या बन जाए आसान बन जाए तो इसके लिए आपको प्रश्नावली दो के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए अब देखिए
अब आपको दिया है साइन इनवर्स। अगर यदि आप इस कोष्ठक के अंदर साइन का पद ला देते हो, यदि आप यहाँ साइन का फॉर्मूला बना देते हो, तो आपका जो साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा, तो ये क्या है, तो आपका फलन है वो आसान बन जाएगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन टू थीटा का, और साइन टू थीटा बराबर होता है टेन टू दो टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप याद करिए, आपने पढ़ा होगा साइन टू थीटा बराबर होता है दो टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। अब देखिए, यदि आप एक्स को टेन थीटा पर रखते हो, यदि आप एक्स को टेन थीटा रखते हो, तो बताइए किसका फॉर्मूला बन जाता है, ये साइन टू थीटा का, और आपका साइन वर्स से साइन कट जाएगा। तो कैसे करेंगे, एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर, तो रखिए हो जाएगा आपका वाई बराबर साइन वर्स दो टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपका बराबर होता है किसके, साइन टू थीटा के। तो आपका वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो वाई बराबर आ गया आपका टू थीटा। अब थीटा का मान रख दीजिए, यहाँ पर आपने क्या माना है, एक्स बराबर टेन थीटा, आपको माना है एक्स बराबर टेन थीटा, तो आपका थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो वाई बराबर हो गया दो टेन इनवर्स एक्स। अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, dy बटे dx। तो सबसे पहला काम है आपका इस प्रतिलोम फलन को आसान बनाइए, और प्रतिलोम फलन को आसान बनाने का तरीका है प्रतिस्थापन। आप x को ऐसा त्रिकोणमितीय फलन प्रतिस्थापित करिए जिससे कि किसी का फॉर्मूला बन जाए। आप जानते हो sin थीटा बराबर होता है दो टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, अर्थात यदि आप इस समीकरण में इस व्यंजक में आप x बराबर टेन थीटा रखते हो, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन टू थीटा का। तो आप आसानी से देख रहे हो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा y बराबर टू थीटा। आपने माना है x बराबर टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स x। अब आप अवकलन कर लीजिए इसका, तो बताइए अवकलन क्या हो जाएगा इसका, आपको दिया है y बराबर टू टेन इनवर्स x। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, ये हो जाएगा आपका dy और dx इंटू टू, और tan इनवर्स x का अवकलन आप जानते हो कि बताया है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है a बटे वन प्लस x स्क्वायर, तो आपका dy बटे dx आ गया दो बटे वन प्लस x स्क्वायर। तो आपको खुद छह इनवर्स फॉर्म के अवकलन याद होने चाहिए सबको, sin इनवर्स x का होता है एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस का अंतर आता है सिर्फ, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में माइनस का अंतर है, माइनस एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में माइनस का अंतर है, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसका अवकलन याद कर सकते हो। अगला देखिए, अगर आपको दिया है y बराबर दिया है sin इनवर्स अंडर रूट cos x। अब देखिए y बराबर sin इनवर्स अंडर रूट cos x, या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आप इसको u मान के कर सकते हो। तो देखिए, तो y बराबर हो जाएगा आपका sin इनवर्स u, क्या हो जाएगा sin इनवर्स u, और u क्या माना है आपने, u बराबर माना है आपने अंडर रूट cos x। अब देखिए y आपका u का फलन है, और u किसका फलन है, x का फलन है,
dx बराबर होगा dy बटे du इनटू du बटे dx के, y u का फलन हो u x का फलन हो। इस स्थिति में dy बटे dx बराबर होता है dy बटे du इनटू du बटे dx, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर a। तो यहां से dy बटे du निकालो और du बटे dx निकालो तो आपका हो जाएगा dy बटे du। आप करना है y का u के अकॉर्डिंग अवकलन, तो बताइए sin इनवर्स u का अवकलन कितना हो जाएगा। sin इनवर्स u का a बटे अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर, क्लियर है। अब आपको निकालना है du बटे dx, अर्थात आपको करना है u का x के सापेक्ष अवकलन, और वो क्या होता है du बटे dx बराबर, बताओ इसको करिए, रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन होता है एक बटे दो रूट एक्स, ये हो जाएगा एक बटे दो रूट एक्स, यानी कि एक बटे दो अंडर रूट कॉस एक्स। फिर किसका करना है आपको कॉस एक्स का, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन एक्स, क्या होता है माइनस के साइन एक्स। अब आप आसानी से मान सकते हो तो आ गया समीकरण एक से, समीकरण एक से dy बटे dx आपका हो जाएगा dy बटे du, ये दे रखा है आपको एक बटे वन माइनस यू स्क्वायर, और u आपने माना है अंडर रूट कॉस एक्स, जब u का स्क्वायर करेंगे तो आपका अंडर रूट घट जाएगा, तो ये आएगा एक बटे अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स इंटू du बटे dx, यानी कि एक बटे दो रूट कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। तो इस प्रकार आप आसानी से साइन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का विषय ध्यान रखना है, जो अपना फलन के अंदर फलन है, फलन के अंदर फलन है, उस फलन को आपको क्या मानना है u, और y u का फलन है, u x का फलन है। इस स्थिति में dy बटे dx बराबर होता है dy बटे du इनटू du बटे dx के, क्लियर है सभी को। इसमें आपको अगला दिया है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 का तीसरा पार्ट, आपको दे रखा है y बराबर अंडर रूट cot इनवर्स रूट एक्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले अवकलन करते हैं घात का, किसका अवकलन करते हैं घात का, तो कैसे करेंगे, तो y बराबर करेंगे आप अंडर रूट u, और u माना है आपने cot इनवर्स रूट एक्स, तो आपका dy बटे dx बराबर होगा dy बटे du इंटू du बटे dx, इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर a। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या बताओ dy बटे du, आप करना है y का u के अकॉर्डिंग अवकलन, कितना हो जाएगा बताइए रूट u, यानी कि a बटे दो रूट u, रूट x का अवकलन होता है a बटे दो रूट x। अब आपको निकालना है du बटे dx, युवा करना है x के सापेक्ष, तो बताओ कितना जाएगा cot इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर x के स्थान पर क्या है रूट x, यानी कि रूट x का होल स्क्वायर। दोबारा से देखिए cot इनवर्स x का अवकलन होता है एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, और x के स्थान पर क्या है यहाँ पर रूट x, यानी कि रूट x का स्क्वायर। फिर आप करना है रूट एक्स का, इसका आप जानते हो एक बटे दो रूट एक्स। अब आप आसानी से इन दोनों का मान समीकरण नंबर एक में रखेंगे और इसका अवकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इसका चौथा पार्ट दिया है आपको, y बराबर आपको दिया है tan इनवर्स, y बराबर दिया है tan इनवर्स
माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तीन एक्स माइनस एक्स क्यूब वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और x है आपका, x बिलोंग कर रहा है a बटे अंडर रूट तीन से माइनस प्लस a बटे अंडर रूट तीन, x आपका बिलोंग कर रहा है माइनस a बटे अंडर रूट तीन से प्लस a बटे अंडर रूट तीन। तो देखिए मैं आपको पहले बताया था, सबसे पहले आप x को उस त्रिकोणमितीय फलन से प्रतिस्थापित करेंगे ताकि आपका जो फलन है वो आसान बन जाए। अब देखिए आसान कब बनेगा, जब यहाँ पर आपको tan का फॉर्मूला बनाएगा, किसका, tan का, और आपको लग रहा है 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, देखिए आपने देखा होगा tan के अंदर फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपका tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के। तो देखिए अब यदि आप x के स्थान पर तो क्या पुट करते हो, tan थीटा, यदि आप x को क्या पुट करते हैं, tan थीटा, तो देखिए बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और जो इसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो आपको x को उस फलन से, उस त्रिकोणमितीय फलन से प्रतिस्थापित करना है ताकि आपका फॉर्मूला बन जाए, और आपको इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि आपको क्या पुट करना है। तो क्या करेंगे, x बराबर tan थीटा रखने पर, तो रखिए y बराबर tan वर्ग, ये हो जाएगा tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका y बराबर tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan 3 थीटा का, ये हो गया आपका tan 3 थीटा। तो tan से tan इनवर्स कट गया, तो बताइए y का मान कितना आ गया, आपका y आ गया y बराबर हो गया 3 थीटा। अब आपको थीटा का मान रखना है, आपको दिया है x बराबर tan थीटा, तो थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, तो y पर रख सकते हो आप 3 tan इनवर्स x। अब आप आसानी से y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर सकते हो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, dy बटे dx, कैसे निकालेंगे हो जाएंगे, dy बटे dx हो जाएगा आपका 3 tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, कितना होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, तो आपका dy बटे dx आ गया 3 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस प्रकार आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसका अवकलन ज्ञात कर सकते हो। तो सिर्फ यहां आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा फलन आपको प्रतिस्थापित करना है ताकि आपको कुछ फॉर्मूला बन जाए, आपकी जो कैलकुलेशन है, आपका जो फलन है वो आसान हो जाए, ताकि हम आसानी से उसका अवकलन निकाल सकते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर छह में क्या आपको दिया है, एग्जाम्पल नंबर छह, एग्जाम्पल नंबर छह, और उसका फर्स्ट पार्ट है आपको y बराबर दिया है tan इनवर्स sin e की पावर x। अब देखिए अब आप यहां देख रहे हो y बराबर दिया है tan इनवर्स sin e की पावर x, तो
तो देखिए एक आपका फलन ये रहा, एक फलन, दो फलन, तीन, तो फलन के अंदर फलन दिया है। और मैंने आपको बताया था जब फलन के अंदर फलन हो तो कौन सा नियम लगाते हैं, श्रृंखला नियम लगाते हैं। तो देखिए तो आप इसे मान सकते हो, आप देखिए इसको मान लीजिए u, u बराबर मान लीजिए आप, माना u बराबर, u बराबर है आपका sin e की पावर x, u बराबर है sin e की पावर x, और आप इस e की पावर x को मान लीजिए b, क्या मान लीजिए b। देखिए आपने इसको क्या माना है, u sin e की पावर x, sin e की पावर x, और आपने b माना है e की पावर x को। आपको इसमें दिया है y बराबर tan इनवर्स sin e की पावर x। अब देखिए एक फलन तो आपका tan इनवर्स x है, एक आपका sin है, एक आपका e की पावर x है। तो मैंने sin को मान लिया है u और इस e की पावर x को मान लिया है b। अब देखिए आपका y बन गया क्या, tan इनवर्स u, और u आपने माना है sin e की पावर x, क्या माना है b, तो आपका u बन गया b, u बराबर हो गया sin b, और b आपने माना है e की पावर x। दोबारा से देखिए मैंने sin को माना क्या है u, sin e की पावर x को माना है u, और e की पावर x को माना है b। तो आपने जो मेन फलन है y, y बराबर हो गया tan इनवर्स u, और u क्या है आपका, इस e की पावर x को b रख दीजिए, तो u बराबर हो गया sin b, और b आपका है e की पावर x। इसका मतलब यह हुआ y u का फलन है, u b का फलन है, और b किसका फलन है, x का। आपका जो y है वो u का फलन है, u किसका फलन है, b का, और b किसका फलन है, x का। तो आपको जो dy by dx आपको जो निकालना है, dy by dx क्या होगा बताइए, सबसे पहले y का करेंगे u के अकॉर्डिंग, इनटू u का करेंगे v के अकॉर्डिंग, du by dv इनटू v का करेंगे x के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका dv by dx। समीकरण नंबर a, ये आपको फलन मानना, अच्छे से मानना है, आपको बदली नहीं करनी है। आपका जो मेन फलन tan इनवर्स है, इसके अलावा जो फलन बचा हुआ है उसको क्या मान लीजिए, u मान लीजिए। अब u के अंदर जो आपको फलन कौन सा दिया है, दूसरा e की पावर x, इसको मैंने क्या मान लिया है, b। अब आपका हो गया y बराबर tan इनवर्स u, और u हो गया आपका sin b, e की पावर x को क्या माना है, b, तो u हो गया sin b, और b आपने माना है e की पावर x। इसका मतलब यह हुआ y u का फलन है, u b का फलन है, और b x का फलन है। तो बताइए dy / dx हो जाएगा, जो फलन जिसका है आपको उसका फलन उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए dy / du into du / dv into dv / dx, y u का फलन है तो y का u के अकॉर्डिंग करना है, u b का फलन है तो u का b के अकॉर्डिंग करना है, b x का फलन है तो b का x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब आप आसानी से इन तीनों के मान निकालेंगे और यहां से इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए अतः dy / du, बताओ क्या हो जाएगा, dy / du tan इनवर्स u का अवकलन कितना होगा, 1/1 plus u square, 1/1 plus, और u आपने क्या माना है, sin b, sin b यानी कि sin स्क्वायर, 1 plus u स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर b, और b आपने माना है e की पावर x। तो आपका dy / du बराबर हो गया 1/1 plus sin स्क्वायर e की पावर x। अब आपको निकालना है du / dv, और देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपका लास्ट में आंसर आएगा उसमें u और b के टर्म नहीं आने चाहिए, u और v का मान आपको रखना पड़ेगा। dy / dx है तो किसका पदों आंसर आएगा, x के पदों में, जो आपका अंत में जो आंसर आ रहा है वो किसके पदों में आना चाहिए, x के पदों में, वहां से आपको u और v के मान रखने पड़ेंगे। देखिए अब आपको निकालना है du / dv,
साइन बी का अपकलन क्या होता है कॉस बी, क्या होता है कॉस बी, और बी आपने क्या बना हुआ है ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस ई की पावर एक्स। क्लियर है? अब आपको निकालना है डीबी बटे डीएक्स, क्या निकालना है डीबी बटे डीएक्स। अब बी का एक्स के सापेक्ष अवकलन यानी कि ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है ई की पावर एक्स। आप देखिए आपके पास du बटे dy है, dy बटे du है, du बटे dv है, dv बटे dx है, तो इन तीनों का मान आप रखेंगे समीकरण एक में और क्या निकाल सकते हो dy बटे dx निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? साइन इनवर्स ए प्लस बी कॉस
बी कॉस एक्स बटे बी प्लस ए कॉस एक्स, बी प्लस ए कॉस एक्स, और आपको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। तो वहां से देखिए आपको दिया है वाई बराबर साइन इनवर्स ए प्लस बी कॉस एक्स बटे बी प्लस ए कॉस एक्स, और आपको निकालना क्या है डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिए तो सबसे पहले आप इसको यू मानेंगे, तो ये हो जाएगा वाई बराबर साइन इनवर्स यू, और आपने यू माना है ए प्लस बी कॉस एक्स बटे बी प्लस ए कॉस एक्स। बाई यू का फलन है, यू किसका फलन है एक्स का, तो आपका डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा डी वाई बटे डी यू इंटू डी यू बटे डी एक्स। अब आपको डी वाई बटे डी यू निकालना है और डी यू बटे डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालते हैं डी वाई बटे डी यू। बाई आपको दिया है साइन इनवर्स यू, और साइन इनवर्स यू का अवकलन होता है एक बटे अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर। अब आपको निकालना है डी यू बटे डी एक्स। अब देखिए अब आपको यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कौन सी विधि लगाएंगे? भाग विधि, क्योंकि अंश बटे हर, तो आपको बताना है डी यू बटे डी एक्स, तो आप कौन सी विधि लगानी है? भाग विधि। और भाग विधि में क्या होता है? हर स्थिर रहता है, यानी कि ये स्थिर रहेगा b प्लस ए कॉस एक्स, हर स्थिर इंटू अंश का अवकलन, हर स्थिर इंटू अंश का अवकलन, और अंश क्या लिया होगा आपको a प्लस बी कॉस एक्स, तो a का अवकलन कितना हो जाएगा जीरो, और कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, तो माइनस बी साइन एक्स, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस माइनस अंश ए प्लस बी कॉस एक्स। दोबारा देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो ये हो जाएगा बी का अवकलन जीरो माइनस ए साइन एक्स बटे हर का स्क्वायर, यानी कि बी प्लस ए कॉस एक्स का स्क्वायर। दोबारा देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो होता है, और यदि किसी फंक्शन के साथ आप कॉन्स्टेंट दिया है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो देखिए हर यानी कि b प्लस a cos x इंटू a का अवकलन जीरो हो जाएगा माइनस cos x का कितना होता है माइनस sin x, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश क्या दिया है a प्लस b cos x इंटू हर का अवकलन, और हर कितना है b प्लस a cos x, b का अवकलन जीरो माइनस cos x का कितना होता है माइनस के sin x बटे हर का स्क्वायर, और हर आपको दिया है b प्लस a cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप दोनों से मान रखेंगे समीकरण एक में, तो आप आसानी से dy बटे dx निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो आगे फिर मिलते हैं। तो आपको प्रतिलोम फलनों के अवकलन के लिए सबसे पहले आपको फलन को आसान बनाना है, उसके बाद श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हुए उस फलन का अवकलन आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।